नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस क्लासेस फॉर ग्रेडियो ऐप इज ए ग्रेडियो कंटेनर। कंटेनर्स के बारे में बात करेंगे, आप ग्रेडियो कंटेनर के साथ कैसे डील करते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं ग्रेडियो कंटेनर के साथ और कैसे प्ले करेंगे। सो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल में हम चेंज करेंगे बैकग्राउंड कलर ऑफ द ग्रेडियो ऐप। आप कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो ग्रेडियो ऐप के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला जो कोड एग्जाम्पल दिया है विद जी आर डॉट ब्लॉक सी एस एस की फाइल ली डॉट ग्रेडियो कंटेनर बैकग्राउंड कलर हमने रेंड कर दिया और ये सारे इन्वर्टेड कॉमास में डेमो कर दिया। आप चाहें तो इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। और इफ यू लाइक रेफरेंस करना चाहते हो एक्सटर्नल इमेज को या फाइल को रेफरेंस करना चाहते हो, इमेज ऐड करना चाहते हो, तो आप उसमें फाइल का नाम भी दे सकते हो, जिस वर्ष का पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो फाइल आपकी करंट डायरेक्टरी में पड़ी है तो उस केस में तो आप करंट डायरेक्टरी यूज करेंगे। अगर वो करंट डायरेक्टरी में नहीं पड़ी है तो उस केस में आप उसका फाइल का पूरा पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल कोड में दिखा देता हूँ। css.gradio_container_background_url_file=cloud.jpg और डेमो की तरह हमने डिफाइन कर दिया। तो डिफॉल्ट फाइल इज नॉट अ होस्ट मशीन और नॉट एसेसिबल टू यूजर रनिंग टू द ग्रेडियो। डिफॉल्ट फाइल जो होगी तो रिजल्ट क्या होगा कि आप रेफरेंस फाइल जो भी होगी जैसे कि cloud.jpg है आइदर url होगी और अलाउ बाय यूजर अलाउ पैरामीटर के लॉन्च के अंदर आप इसके लिए ताकि सिक्योरिटी और एसएस फाइल को अगर इसको ज्यादा देखना चाहते हो ज्यादा एसेस करना चाहते हो तो आप सिक्योरिटी और एसएस फाइल में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बारे में हम बात कैसे करें। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिम आईडी और एलिम क्लासेस। एलिम जो है आईडी जो यूज की जाती है HTML एलिमेंट आईडी जिसे कहते हैं, एड एन HTML एलिमेंट आईडी टू योर कंपोनेंट, टू अपने किसी भी कंपोनेंट पे आप एलिमेंट आईडी HTML एलिमेंट आईडी ऐड करना चाहते हो तो आप उसके लिए एलिम आईडी यूज करते हो। और एलिम क्लासेस क्यों करना चाहते हो, टू ऐड ए क्लासेस और लिस्ट ऑफ क्लासेस। एलिम क्लासेस किसके लिए यूज होता है, क्लासेस को ऐड करने के लिए। एलिम आईडी जो होती है वो एलिमेंट आईडी ऐड करने HTML एलिमेंट आईडी को यूज ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं। ये अप्रोच होती है इजिली अलाउ करती है सिलेक्ट एलिमेंट मोर इजिली विद CSS। जो अप्रोच होती है मोर लाइक स्टेबल अक्रॉस द ग्रेडियो वर्जन के साथ काफ़ी स्टेबल है। तो बिल्ट इन क्लासेस नेम होती हैं और आईडी होती है, मे भी चेंज कर सकते हो क्योंकि आपके मेंशन होती है वार्निंग अबाउ यू कैन नॉट गारंटी द कंप्लीट कंपैटिबिलिटी की गारंटी नहीं है, बट हम ये मान सकते हैं कि उनके साथ CSS को अटैच किया जा सकता है। और कई बार डोम एलिमेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आती है मगर जरूरी नहीं है कि हर बारी आ। तो चलिए हम बात करते हैं ग्रेडियो एज ए जी आर। हमने CSS डिफाइन वार्निंग बैकग्राउंड कलर हमने डिफाइन किया है, ये डॉट फीडबैक टेक्स्ट एरिया फॉन्ट साइज क्या है 34 और इंपॉर्टेंट जो हमने डिफाइन किया हुआ है। जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपके पास कंपाइल हो गया, ये आपके पास आ गया गुड जॉब। तो आपने क्या दिया था, गुड जॉब, जो टेक्स्ट बॉक्स था आपने CSS को डिफाइन किया, वार्निंग आपने जो इसका फॉन्ट साइज किया था फॉन्ट साइज भी बढ़ गया और बैकग्राउंड कलर भी आपका इसका देख सकते हैं वो बढ़ गया टेक्स्ट बॉक्स का जो आपने किया था। और आपने इसमें क्या दिया था, गुड जॉब वैल्यू में आपने गुड जॉब दिया था और बॉक्स टू में आप क्या दिया था, आपने फेलियर वैल्यू फेलियर दिया था और एलिमेंट क्लास क्या था फीडबैक और एलिमेंट आई डी क्या थी एलिम आई डी क्या थी हमारे पास वार्निंग, एलिमेंट क्लासेस क्या थी फीडबैक क्लास और आईडी वार्निंग थी और लॉन्च किया था। तो आप ये देख सकते हैं दोनों आपके पास इसमें क्रिएट हो, क्लियर है। आई थिंक इतना आपको पता लग गया होगा कि इन बैकग्राउंड जो कलर है उसके थ्रू आप फॉन्ट के थ्रू फॉन्ट आईडी भी इंक्रीज कर सकते हो। तो जो वार्निंग रूल सेट होते हैं और टारगेट करते हैं जो वार्निंग रूल सेट होंगे वो टारगेट करेंगे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को, वो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को नहीं वार्निंग करते। तो आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को वार्निंग में नहीं कंसीडर किया, किसको किया सेकंड वाले को। तो ये सेकंड वाले को जो फीडबैक रूल सेट होते हैं वो टारगेट करते हैं, जो फीडबैक होता है जैसे आपने फीडबैक किया है ये दोनों को टारगेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही टारगेट करते हैं। तो आपके पास तो आप इंपॉर्टेंट सेक्टर जो तो ओवरराइड करते हैं डिफॉल्ट ग्रेडियो स्टाइल को, ये जो ओवरराइड करी हुई है वो डिफॉल्ट ग्रेडियो स्टाइल को इसने करी हुई है। तो एडिंग कस्टम जावास्क्रिप्ट टू डेमो, आप ऐड कर सकते हो कस्टम जावास्क्रिप्ट टू योर डेमो। डेमो मतलब इंटरफेस जो आप ऐड कर रहे हो उसको कस्टमाइज कर सकते हो। इसको कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास तीन वेदियाँ हैं जो ग्रेडियो पैकेज ने डिफाइन किया है, वो तीन वेज दिखाई हुए। पहला जो है वापस के जिसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो पहला है यू कैन ऐड जावास्क्रिप्ट कोड एज ए स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो और एज ए फाइल पाथ भी यूज कर सकते हो टू द जीएस पैरामीटर ऑफ द ब्लॉक और इंटरफेस के थ्रू आप ऐड कर सकते हो। या तो आप किसके थ्रू कोड के स्ट्रिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, एज ए फाइल पाथ टू द जेएस पैरामीटर को यूज़ कर सकते हो और ब्लॉक और इंटरफेस इनिशियलाइजर की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। वो रन कर सकते हो जावास्क्रिप्ट कोड को विद डेमो और इज फर्स्ट लोडेड, जो पहले से लोडेड होगा उसको वैसे भी कर सकते हो। जो हमने नीचे कोड दिया है ये कोड देख सकते हैं, इसमें हमने एडिंग किया कस्टम जावास्क्रिप्ट एनिमेट करने के लिए वेलकम मैसेज। तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट ग्रेडियो एड जी वेलकम किया, वेलकम ग्रेडियो नेम जो भी नेम हम डालेंगे जो पास करेंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिफाइन किया क्रिएट ग्रेडियो एनिमेशन, फंक्शन का नाम क्या दिया ग्रेड जावास्क्रिप्ट का है। कंटेनर के अंदर क्या डाला हम, क्रिएट एलिमेंट डिवीजन, सबसे पहले हमने डिवीजन डाला। आईडी का नाम क्या दिया हमने ग्रेडियो एनिमेशन,
उसके बाद हमने स्टाइल में दे डाला फॉन्ट साइज 2EM, फॉन्ट का वेट डाला 2 बोल्ड है, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट को अलाइनमेंट किया वो सेंटर किया, और मार्जिन जो दिया है बॉटम के अंदर 20 पॉइंट्स, जो वेरिएबल जो टेक्स्ट हम डिफाइन वेलकम टू ग्रेडियो 4i 0 से लेकर लेस देन लेंथ तक प्लस प्लस करेंगे, फंक्शन डिफाइन किया आई, एक फंक्शन डिफाइन किया आई, सेट टाइम आउट हमने किया, फंक्शन इसके अंदर पास किया, फिर हमने इसके अंदर क्या दिया लेटर डिफाइन किया वेरिएबल लेटर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन, और फिर हमने ओपेसिटी 0 रखी, ट्रांजिशन की ओपेसिटी 0.5 सेकंड रखी, जो ट्रांजिशन लेटर ट्रांजिशन होगी, और इनर टेक्स्ट की हमने इसमें टेक्स्ट डाल दिया, और कंटेनर के अंदर अपेंड कर दिया चाइल्ड लेटर और सेशन का टाइम आउट कर दिया, और हमने लेटर डॉट स्टाइल की ओपेसिटी 50 पास करी, इसके बाद 50 और आई इंटू 250 और आई हमने पास किया, ये हमारे पास ये फंक्शन फॉर लूप का हमारे पास जो फंक्शन था वो यहाँ से यहाँ तक चला। अब चलते हैं, हमने ग्रेडियो कंटेनर के डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर किया डॉट ग्रेडियो कंटेनर डॉट ग्रेडियो कंटेनर, जो हमने इसमें ग्रेडियो कंटेनर पास कर, फिर हमने ग्रेडियो कंटेनर के अंदर इंसर्ट बिफोर कंटेनर और ग्रेडियो कंटेनर डॉट फर्स्ट चाइल्ड पहला चाइल्ड, और रिटर्न करेंगे एनिमेशन क्रिएटिव, क्लियर इतना। अब ये जो पूरा जीएस का जो फंक्शन बनाया था वो ये था, अब इसमें हमने पास कर दिया टेक्स्ट व्हाट इज योर नेम, दूसरा आउटपुट टेक्स्ट, और तीसरा इनपुट डॉट चेंज, वेलकम फंक्शन पास किया, इनपुट पास किया, और आउटपुट कैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा तो आपके पास एनिमेटेड आ गया वेलकम टू रेडियो। अब मैं टेक्स्ट में नाम लिखता हूं तो आपके पास ये जो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए था ये आपके पास है सारा का सारा, पोर्ट साइज आप इस तरह भी आ रहे तो क्रिएट कर सकते, जो आपने आल्सो सप्लाई द कस्टम जेएस कोड फाइल पाथ की तरह भी पास कर सकते हो, तो उसका जो आप नाम डिफाइन करेंगे जेएस इज इक्वल टू कस्टम डॉट जेएस, इस सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए ऑन योर पाइथन स्क्रिप्ट, जहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट की फाइल पड़ी है वहीं पे होना चाहिए, तो आप इसे इजीली ऐड कर सकते हो। और ऐड कैसे करोगे, आप ब्लॉक में ऐड करोगे तो gr.block और डेमो एज ए डेमो, सेम अगर आप इंटरफेस में करते हो तो gr.interface और में बात कर दोगे, तो आपके पास जो होगा आप यूज करते हो ब्लॉक के अंदर के यूजिंग, ब्लॉक के साथ करना चाहो तो ब्लॉक के साथ कर सकते हो, इवेंट लिसनर के साथ करना चाहो तो आप इवेंट लिसनर्स के साथ भी आप कर सकते हो। बोथ जावास्क्रिप्ट फंक्शन एंड पाइथन फंक्शन जो होंगे वो सेम में ही होंगे जहां पे वो कोड पढ़ा। तो देखिए एक और बनाया हमने कस्टमाइज के लिए ब्लॉक ग्रेडियो ब्लॉक विद ब्लॉक्स एज ए डेमो, ने ब्लॉक यहीं पे क्रिएट किया था, वहाँ क्या करते थे पिछले वाले फंक्शन क्या करते थे हम क्या करते थे विद जीआर डॉट ब्लॉक करते थे और पास करते थे, हमने ये यहीं पे कर दिया, तो यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक यूज किया। तो हमने सब्जेक्ट बनाया प्लेस होल्डर सब्जेक्ट, टेक्स्ट बनाया रेडियो बनाया एट लव और हेटेड पर, और ऑब्जेक्ट बनाया एक और दूसरा टेक्स्ट का, एक रेडियो बटन, दो टेक्स्ट बॉक्स और एक रेडियो बटन, फिर रो में बनाया हमने रो बनाई एक, उसके अंदर एक बटन बनाया क्रिएट सेंटेंस, रिवर्स बटन बनाया पहला बटन दूसरा बटन और तीसरा, तीन बटन बनाए हमने उसके अंदर रिवर्स सेंटेंस और अपेंड फॉर बटन, एक और बटन बनाया रिवर्स सेंटेंस एंड सेंड टू द सर्वर, चौथा बटन बना दिया हमने, चार बटन बना दिए एक ही लाइन में बना दिए एक ही रो में बना दिए, सेंटेंस मेकर पास किया w1 w2 तीन ट्रांसलेशन और हमने तीनों को लिख दिया, और टेक्स्ट चार आउटपुट दी और चारों में चारों की आउटपुट दे दी, आउटपुट वन वर्ब रिवर्स फ्रंट एंड प्रोसेस एंड सेंड टू बैक, बटन डॉट क्लिक करेगा तो ये सेंटेंस को कॉल कर लेगा, सब्जेक्ट कॉल कर लेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन आर्गुमेंट इनपुट में लेगा ये, आउटपुट में ये आउटपुट, जब रिवर्स बटन को क्लिक करोगे तो ये सब्जेक्ट को कॉल कर लेगा नल, क्योंकि रिवर्स में फंक्शन को नल दिया, इनपुट ये लेगा आउटपुट ये, और जेएस का फॉर्मेट एक फॉर्मेट दिया जेएस वी ओ ओ स्पेस वी प्लस एस पास कर दिया, ठीक है, तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रिंट कर दिया, फिर हमने वर्ब डॉट चेंज किया एक लैम्डा फंक्शन पास किया, उसके अंदर एक आउटपुट पास किया वर्ब पास की एक्स पास किया वर्ब और आउटपुट जेएस पास किया एक्स के अंदर चला गया, उसने रिवर्स कर दिया और ज्वाइन कर दिया। जब हम फू बटन को क्लिक करेंगे फंक्शन अपने इसमें पास नहीं किया, इनपुट हमने इसमें भी नहीं पास किया, आउटपुट सब्जेक्ट हम आउटपुट हमने सब्जेक्ट पास किया सब्जेक्ट में देगा और जेएस के अंदर एक्स प्लस फू को इसने डायरेक्ट ऐड कर दिया, ये जेएस फंक्शन है। रिवर्स देम टू द सर्वर बटन क्लिक करेंगे तो सेंटेंस मेकर को कॉल करेगा, इनपुट पास किया आउटपुट पास किया और ये एस सब्जेक्ट डॉट मैप करेगा, फिर इनको रिवर्स करेगा फिर ज्वाइन करेगा और आउटपुट आपको दे देगा। जैसे ही मैं इसे कंपाइल करूंगा आपके पास देख सकते हैं इसने रिवर्स तो कर दिया मगर ये इसको वर्क नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ कई बार ऐसा हो जाता है वजह से अगर दोबारा रन चलने भी लग जाएगा, लास्ट टाइम चल रहा था इसमें पता नहीं। तो आपके पास ये वीडियो इस तरह आप इसमें आउटपुट देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट कोड किया था हेड पैरामीटर ऑफ ब्लॉक इनिशियलाइजर में, आप ऐड कर सकते हो और टू द हेड ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में भी ऐड कर सकते हो, आप जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसमें भी ऐड कर सकते हो। देखिए हेड में आप इसमें स्क्रिप्ट सोर्स पूरा का पूरा जो आईडी है स्क्रिप्ट, फिर विंडो डॉट डाटा लेयर के अंदर विंडो डाटा लेयर पास कर, गेट डेटा लेयर पुश आर्गुमेंट पास कर दिया और जी टैग के अंदर पास करिए होगी और कॉन्फ़िगरेशन, ये जो सारा स्क्रिप्ट उस हेड के अंदर पास,
तो आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, आपको भी पैरामीटर डिफाइन करना चाहें डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसमें ये भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको तरह बनाया जा सकता है। जो हेड पैरामीटर एक्सेप्ट किया है यू कैन इंसर्ट इन टू द पेज भी, आप उस तरह भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एक और कोड बनाते हैं दिखाया, जहाँ की ब्राउजर बिहेवियर और कंपेटिबिलिटी को दिखाया गया है। आपके पास जो है देख सकते हैं ये सारा का सारा कोड, स्क्रिप्ट बनाई, शॉर्ट स्क्रिप्ट बनाया, शॉर्टकट जेएस के लिए बनाया, फंक्शन बनाया शॉर्टकट, एक ई पास किया, आर्गुमेंट इवेंट पास किया, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल क्वेश्चन मार्क विंडो डॉट इवन, एक फंक्शन का नेम डिफाइन करके जिसका नाम है हमारे पास शॉर्टकट, शॉर्टकट हमने पास किया, उसमें टेक किया इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ई है एज एन आर्गुमेंट, इवेंट ऑब्जेक्ट जो था वो हमने इवेंट ऑब्जेक्ट पास किया तो ई पास किया। तो फिर इवेंट नॉर्मलाइजर पास किए, इवेंट नॉर्मलाइजर क्या होते हैं, जो ये लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल इवेंट जो नॉर्मलाइजेशन होता है जिसे हम नॉर्मलाइजेशन और विंडो डॉट इवेंट जो होते हैं तो ये डिफाइन करेगा एंड ऑल्ड विल चेक द इंटरनेट, इंटरनेट ब्राउजर एक्सप्लोरर जो होता है या ब्राउजर जो होता है उसको चेक करने के, इट इज़ यूज फॉर विंडो डॉट इवेंट जो है, इट यूज द इवेंट ऑब्जेक्ट ई पास टू द फंक्शन, जो इवेंट ऑब्जेक्ट ई है वो फंक्शन को पास किया गया, इंश्योर करेगा कंपेटेबल विद डिफरेंट ब्राउजर, डिफरेंट ब्राउजर है उनके साथ जो कंपेटेबिलिटी है उसको चेक करने के लिए ये आपके पास यूज कर रहा है। उसके बाद हमने एक स्विच स्टेटमेंट पास की है, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमने पास चेक किया है ई डॉट टारगेट डॉट टैग नेम डॉट नहीं कर सकते, कोई भी हम फर्दर एक्शन इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में ये क्या काम करेगा, शॉर्टकट बिंग ट्रिगर्ड वाइल टाइपिंग इज दिस एलिमेंट, शॉर्टकट जो कि आपके पास इसके अंदर परफॉर्म हो। तो अब शॉर्टकट एलिमेंट पे चलते हैं, की ई डॉट की टू लोअर एस और ई डॉट शिफ्ट की, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा इफ की इज एस केस इनसेंसिटिव है, ये ध्यान रखना केस इनसेंसिटिव है, एंड इफ शिफ्ट की इज आल्सो प्रेस, शिफ्ट की आल्सो भी प्रेस, तो बहुत कंडीशन जो होगी वो ट्रू हो जाएगी। इट सिमुलेट करेगा टू क्लिक ऑन द एलिमेंट विद आईडी इज माई बटन, जो आईडी है उस माई बटन की आईडी को इसने क्या करेगा क्लिक कर देगा माई बटन के बाद। उसके बाद हमने एक इवेंट लिसनर बनाया है, इवेंट लिसनर क्लिक किया है जो डॉक्यूमेंट करेगा टू द डॉक्यूमेंट, हमने इवेंट लिसनर ऐड किया है डॉक्यूमेंट के लिए जो लिसन करेगा फॉर की प्रेस के लिए, और जो कौन सी की प्रेस की है, प्रेस की प्रेस कौन सी की है इवेंट, व्हेन ए की इज प्रेस, जब भी कोई की प्रेस करेगी द शॉर्टकट फंक्शन इज कॉल्ड, जब की प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट फंक्शन कॉल करेगा और आपके पास ये नेक्स्ट वैल्यू फॉल्स है और रिटर्न कर देगा। इफ अलाउ करता है, क्रिएट करता है कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट की दबाएंगे तो क्या होगा, ट्रिगर ऑन द क्लिक ए बटन विद आई डी माई बटन क्रिएट होगा, यू अनलेस द फोकस इज ऑन इनपुट और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट होगा, दिस कैन बी यूज फॉर एडिंग क्विक एसेस टू सर्टेन एक्शन ऑन द वेब एप्लीकेशन, पर कोई ना कोई एक्शन ये परफॉर्म करेगा। तो उसके बाद जैसे ही हमने शॉर्टकट यहाँ पे ऐड किया, डेमो किया, बटन दबाया, हमने बटन ऐड किया, टेक्स्ट एरिया ऐड किया और एक्शन ऐड किया बटन प्रेस, जैसे ही प्रेस किया तो ये आपके पास कंपाइल हो गया, ये आपके पास जो है इवेंट लिसनिंग के हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, जिसका शॉर्टकट क्या लेगा, ई दिया इसने ऑब्जेक्ट लिया, फिर हमने ब्राउजर के साथ कंपेटिबिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट और विंडो इवेंट के लिए टारगेट स्विच ऐड की और टारगेट में जैसे तीन या तो इनपुट एरिया लेगा या टेक्स्ट एरिया लेगा या ब्रेक होगा, जैसे ही बाहर आ जाएगा और डिफॉल्ट होगा तो आपके पास ये डिफॉल्ट में आपके पास ये बटन प्रेस होंगे, वो लिसन करेगा और इवेंट लिसनर लिसन करेगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा जो भी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू दोस्तों, बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।